माइंस के बारे में इससे ज्यादा जानने से पहले लेट मी गिव यू ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द अंडरग्राउंड माइंस। अंडरग्राउंड माइंस में वर्किंग कैसे किया जाता है। इन अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग द सरफेस ओवरबर्डन मेटेरियल को हम लोग पूरा एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है। दिस इज द सरफेस लेवल। सो ओवरबर्डन रॉक स्ट्रेटा मेटेरियल हम लोग इसको टोटल पूरा ओवरबर्डन मेटेरियल को रिमूव नहीं किया जाता है। ये जो मिनरल और कोल प्रेजेंट है नीचे उसको एक्सेस करने के लिए टनल्स बनाए जाते हैं, लाइक दिस वर्टिकल टनल, दिस इंक्लाइंड टाइप ऑफ टनल, ऐसे टनल्स बनाया जाता है। एंड टनल से हम मेटल को एक्सेस करते हैं बाय मेकिंग शाफ्ट, शाफ्ट और लिफ्ट के सिस्टम से नीचे आते हैं एंड ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, लोडिंग ये टेक्निक से फिर मेटल को निकाला जाता है। ये जो 21 इंक्लाइंस माइन था इसमें दो एंट्री था। इन एनी टाइप ऑफ अंडरग्राउंड माइंस वी नीड एटलीस्ट टू एंट्री रहना जरूरी ही है। तो ये 21 इंक्लाइंस माइन में दो एंट्री था, एक वर्टिकल शाफ्ट था और एक इंक्लाइंड शाफ्ट। तो ये दो एंट्री क्यों चाहिए? दो एंट्री इसलिए चाहिए, पहला बात ये कि एक एंट्री से हम लोग एंट्री करेंगे और दूसरे से हम लोग मेटेरियल्स को निकालेंगे। ये तो फर्स्ट रीजन है। एंड द सेकेंड रीजन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन इज कि जो अंडरग्राउंड में जब हम लोग काम करेंगे, ये 100-200 मीटर नीचे काम होता है, तो हवा द ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली अंदर तो नहीं आएगा, तो ऑक्सीजन को एक पाथ देना पड़ेगा। तो ये पाथ देने के लिए एक कंप्लीट पाथ दिया जाता है। यहाँ से ऑक्सीजन एंट्री करेगा, यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से रिटर्न हो जाएगा बाहर। तो ये प्रॉपर पाथ दिया जाता है फॉर वेंटिलेशन। इसीलिए इन एनी टाइप ऑफ अंडरग्राउंड माइंस टू एंट्रीज आर रिक्वायर्ड। ये एक अंडरग्राउंड माइंस का सिचुएशन है जहाँ पे दो वर्टिकल शाफ्ट बनाया गया है टू एक्सेस द मिनरल और द कोल, वर्टिकल शाफ्ट 1 एंड द वर्टिकल शाफ्ट 2। तो यहाँ पे क्या है, सोचो कि एक कोल माइंस है तो हम तो दो वर्टिकल शाफ्ट कर दिए हैं। हाउएवर फॉर वर्किंग इन द अंडरग्राउंड माइंस जो भी लोग यहाँ पे काम करेंगे दे नीड प्रॉपर ऑक्सीजन, लाइक इन द एटमोसफियर में जैसे रहता है 20.8% ऑफ ऑक्सीजन रहता है, तो इन अंडरग्राउंड में 20.8% ऑक्सीजन नहीं रहेगा क्योंकि उतना अमाउंट ऑफ एटमोसफेरिक एयर यहाँ से फ्लो नहीं कर पाएगा विदाउट एनी टाइप ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम। तो फिर यहाँ पे अंडरग्राउंड में अगर कुछ वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है तो यहाँ पे लेट सपोज 10 or 12% ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, तो उतना परसेंट ऑफ ऑक्सीजन में nobody can work there. So, हमको एक प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम इसको बनाना पड़ेगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, आइदर यहाँ पे एक फोर्सिंग फैन नहीं तो यहाँ पे एक एग्जस्ट फैन लगा देते हैं फॉर गेटिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द अंडरग्राउंड माइंस वी नीड ए प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जस्ट फैन लगा सकते हैं नहीं तो यहाँ पे एक फोर्सिंग फैन लगा सकते हैं। सो एग्जिट पे अगर एक एग्जस्ट फैन लगा जाता है तो इट विल ड्रैग एयर फ्रॉम दिस टनल एंड ऑटोमेटिकली द एटमोस्फेरिक एयर विल एंटर इन टू द माइंस एंड इन द रिटर्न ये जो एयर था वो निकल जाएगा। तो फिर यहाँ पे अंडरग्राउंड माइंस में जो सपोज 100-200 मीटर नीचे काम किया जा रहा है तो यहाँ पे 20.8 और एटलीस्ट 20% ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल हो पाएगा सो दैट पीपल कैन वर्क देयर परफेक्टली। तो दिस इज द एडवांस मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम। ये सारा अंडरग्राउंड माइंस में ऐसे ही किया जाता है, आइदर एग्जस्ट फैन नहीं तो फोर्सिंग फैन। और अगर कहीं कहीं पे एयर फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहे, एयर प्रेशर ड्रॉप कर रहा है, देन बूस्टर फैंस ऑल्सो फिट किया जाता है। ये 21 इंक्लाइन माइंस था, ये बहुत पुराना माइंस था फ्रॉम ब्रिटिशर्स टाइम। तो वो लोग पहले क्या करते थे, तो जब ऐसे मैकेनिकल हाई कैपेसिटी मैकेनिकल वेंटिलेशन फैंस वगैरह नहीं था तो उस टाइम पे वो लोग वेंटिलेशन करने के लिए वो लोग इन वन एंड ऑफ द शाफ्ट वो लोग क्या करते थे, कोयला को आग लगा देते थे। ये क्या होता था, पोस्ट साइड का जो शाफ्ट था, जो टनल था, उसका ऊपर वाले में जो हवा था वो एयर गेट्स लाइटर, ये वाला एयर लाइटर हो जाएगा।
हल्का हो जाएगा। तो वो वाला एयर क्या होगा, ऊपर मूव करेगा। जब वो वाला एयर ऊपर मूव करना चालू करेगा तो दूसरा एंट्री है, दूसरा एंट्री से एटमोस्फेरिक एयर ये अंडरग्राउंड माइंस में एंट्री करेगा। तो ये प्रोसीजर वो लोग फॉलो करते थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे फॉर गेटिंग वेंटिलेशन इन द अंडरग्राउंड माइंस, लेकिन ये बहुत रिस्की था ड्यू टू दिस फायर, समटाइम्स कोल फायर एक्सप्लोजन और दूसरा मीथेन फायर एक्सप्लोजन होता था। सो नाउअडेज वी आर प्रैक्टिसिंग एडवांस वेंटिलेशन सिस्टम फॉर वेंटिलेटिंग द अंडरग्राउंड माइनिंग एनवायरमेंट। माइंस का मेन हॉल रोड है, ये हॉल रोड का दोनों वॉल फ्लोर रूफ सब कोयला ही है। यहाँ पे स्टोन डस्टिंग किया गया है इसलिए ये व्हाइट दिख रहा है। स्टोन डस्टिंग किया जाता है सो दैट की विजिबिलिटी थोड़ा सा बढ़ सके माइंस के अंदर। कोयला तो काला रहता है सो जितना भी लाइट मारो उसमें उतना विजिबिलिटी नहीं आएगा। स्टोन डस्टिंग करने का और एक बेनिफिट है, ये कोल डस्ट एक्सप्लोजन जिससे हैजर्डियस एनवायरमेंट से भी बचाता है। आप देख सकते हैं ये बेल्ट में एक बैटरी पैनल लगाया गया है, दैट इज अ पावर सोर्स फॉर द टॉर्च। ये बहुत ही भारी रहता है सो यू शुड हैव अ बेटर बेल्ट, नहीं तो आपका पेंट उतरने का चांसेस है। बट नाउअडेज वी आर यूजिंग LED लाइट्स, उसका बैटरी पैनल इससे हल्का ही रहता है। गोब जैसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ना जाने के लिए वायर फेंसिंग दिया जाता है सो दैट नोबडी शुड गो देयर। वो रिस्की एरिया रहता है क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता है, रूफ फॉल होने का भी चांसेस है, एज वेल एज एयर फ्लो वहाँ पे उतना नहीं रहता है। मेन हॉल रोड में विल गेट 20% ऑफ ऑक्सीजन, एटलीस्ट 19% ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन आप फेंसिंग क्रॉस करके उधर गोब वाले एरिया में चले जाएंगे, देयर यू विल गेट 16 or 15% ऑक्सीजन। सो इसलिए उस वाला एरिया में फेंसिंग देके उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। जब अंडरग्राउंड माइंस में फेस बहुत आगे मूव कर जाते हैं फ्रॉम द पिट बॉटम, जरा सपोज फेस एडवांस होते होते 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर आगे चला गया है, तो उतना किलोमीटर पैदल जाना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। एंड लेट अस सपोज स्टीप इंक्लाइंड है तो 500-600 मीटर इस स्टीप इंक्लाइंड में पैदल जाना टाइम टेकिंग है एंड डिफिकल्ट टास्क भी है। सो दैट क्या होता है, क्या किया जाता है अंडरग्राउंड माइंस में, सम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का व्यवस्था किया जाता है, लाइक माइन कार सिस्टम हो गया, चेयर लिफ्ट सिस्टम हो गया। ये जो 21 इंक्लाइंड माइंस में आप चेयर लिफ्ट सिस्टम देख सकते हैं। Thank you.
माइंस के, वो हमको रोज रोज कितना माइंस घुमाएंगे, एक दिन वो हमको एक जगह पे छोड़ के वो चल गए अपना काम देखने के लिए। हम लोग बैठ बैठ के वहाँ पे बोर हो गए और हम लोग सो गए वहाँ पे। वो वापस है 12 बजे, 12 बजे हम लोगों को ऐसे सोता हुआ देख देख कर उनको गाली दिए, क्योंकि हम लोग दो मिस्टेक्स किए थे। पहला मिस्टेक ये था कि हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में सो गए थे, क्योंकि कभी नहीं सोना चाहिए था। वॉन्ट टू टेक रेस्ट देन यू शुड सिट एट ए वेल वेंटिलेटेड प्लेस। ऐसा कोई भी जगह पे जाके बैठ जाना, सो जाना अंडरग्राउंड माइंस में, ये सही बात नहीं है। दूसरा मिस्टेक ये था, हम लोग जब सो गए थे जो टॉर्च लाइट दिया जाता है सबको, हम टॉर्च लाइट को बंद करके सो गए थे। दैट इज आवर बिगेस्ट मिस्टेक अंडरग्राउंड माइंस में। वी शुड ऑल नो अंडरग्राउंड माइंस में कभी भी टॉर्च लाइट को बंद नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट इज आवर ओनली आइडेंटिटी। टॉर्च लाइट ऑन है, दैट मीन्स देर इज सम पर्सन, कोई है। अगर आप टॉर्च लाइट को बंद कर देते हैं तो नोबडी कैन सी यू। अंडरग्राउंड माइंस में LSD चलता रहता है, वो छोटा मोटा गाड़ी चलता रहता है, तो आप अगर लाइट ऑन नहीं करेंगे नोबडी कैन रिकॉग्नाइज यू कि वहाँ पे कोई है। सो ये दो मिस्टेक किए थे। वी ऑल शुड नो कि ऐसे मिस्टेक्स अंडरग्राउंड माइंस में कभी नहीं करना चाहिए।